हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय मी न्यूज़। आई एम अग्नि दीपा, योर फेवरेट बायोलॉजी मेंटर। कैसे हो बच्चों सब? फुल जोश में हो ना? बिल्कुल टेंशन नहीं, ठीक है। आई होप सब ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। कहाँ किसका सेंटर मिला है वो मुझे जरूर कमेंट करके बोल देना। एंड एडमिट कार्ड के साथ जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट है उसमें सही तरह से, ठीक है, अपना थंब इम्प्रेशन दे देना, फोटो भी चिपका देना, पर साइन मत करना, वो इन्विजिलेटर के सामने करनी है, ठीक है बच्चों। एंड एग्जाम हॉल में एकदम टाइम पे पहुंच जाना, बिल्कुल टाइम पे, वरना टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन की कोई बात नहीं है, धीरे से सब कुछ करना, आराम से करना, टाइम पे पहुंच जाना, एंड अपने साथ एडमिट कार्ड, ओके, अपना आइडेंटिटी प्रूफ एंड फोटो कॉपी, ठीक है, ये तीनों लेके जाना। एंड उसके साथ मस्ट एक वाटर बॉटल कैरी करना, क्योंकि इतने टाइम का एग्जाम है बच्चों, अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करना। एंड जैसा बिल्कुल ड्रेस कोड है, बिल्कुल उसी टाइप के ड्रेस से जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है बच्चों। बिल्कुल जैसा मेंशन किया है एनटीए ने, बिल्कुल उसी तरह से अपना ड्रेस ड्रेसअप करके एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना, ठीक है। एंड देखो, यहाँ पे आज होने वाला है लास्ट मॉक टेस्ट, दैट इज एकदम रेप्लिका मॉक टेस्ट, मतलब बिल्कुल नीट में जैसे क्वेश्चन आएगा बिल्कुल हूबहू वैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, बॉटनी पोर्शन से सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के 50 क्वेश्चन रहेगा, तो आज यहाँ पे भी है। एंड जूलॉजी पे भी क्या होगा बच्चों, सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के 50 क्वेश्चन रहता है, वो भी आज यहाँ पे है। तो कुल मिला के आज यहाँ पे 100 क्वेश्चन होने वाला है। पर एग्जाम में यहाँ पे देखो, 100 × 4 मतलब 400 मार्क्स का एग्जाम है, पर एग्जाम में तुम्हें 45 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, बॉटनी से भी एंड जूलॉजी से भी। तो कितना आसान है बच्चों। और देखो, मैंने बोला था कि और भी मैं मॉक टेस्ट तो 1 महीने के ऊपर से करा रही हूँ, सभी चैप्टर ऑलमोस्ट देखो तुम्हारा तैयार हो चुका है, आई होप सो, ठीक है। और कल का ही दिन है, लास्ट दिन क्या करोगे बच्चों? देखो, कल मैं मॉक टेस्ट नहीं लूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें तुम्हारा और थोड़ा टाइम जाए। कल तुम पूरा दिन अपना रिविजन करना, क्या करना बच्चों, रिविजन करना, ठीक है। जो जो लास्ट मोमेंट जैसा याद आए, ये वाला एक बार देख लेते हैं, देख लेना, तुरंत ऐसे याद आ जाएगा, क्योंकि तुम इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ याद है, ठीक है, पर एक बार देखने की जरूरत है। हर एक चैप्टर जो जो लगे तुम्हें देखने की जरूरत है वो तुम कल देख लेना, ठीक है बच्चों। एंड वो ना एकदम दिमाग में रह जाएगा, लास्ट मोमेंट जो तुम देखोगे, तो वो कल करना, ठीक है। तो कल उसी में अपना टाइम दे देना। चलो आज प्रैक्टिस कर लेते हैं फुल मॉक टेस्ट। एंड वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम एंड तक देखना, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। कल नेक्स्ट डे क्या है, कल छुट्टी है, नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम है। तो चलो एकदम टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, बॉटनी सेक्शन से है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, यूलोथ्रिक्स, ग्रैसिलेरिया, कारा, क्लाइमाइटोमोनस, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दिस डू नॉट बिलोंग टू फियोफाइसी? फियोफाइसी मतलब बच्चों ब्राउन एल्गी, ठीक है। एंड इसमें क्या है, यूलोथ्रिक्स दिस इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, ठीक है। ग्रीन एल्गी है ग्लैसिडेरिया, दैट इज रेड एल्गी, ओके। एंड काड़ा, ये भी क्या है बच्चों, ग्रीन एल्गी का मेंबर है। क्लाइमाइटोमोनास भी ग्रीन एल्गी का मेंबर है। स्पाइरोगाइरा एंड वॉलवॉक्स, ये दोनों भी क्या है बच्चों, ग्रीन है। तो इसमें से कितने नहीं बिलोंग करेगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 ही नहीं बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे 4 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, द सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है बच्चों? इनर पे रहता है सेल्यूलोज, आउटर पे रहता है पेक्टिन, ठीक है, पेक्टोज। तो यहाँ पे 4 इज द राइट ऑप्शन। देखो, इजी सा क्वेश्चन भी रहता रहेगा एंड ज्यादा से ज्यादा एसेसमेंट टाइप एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो चलो उसके लिए भी फुल मॉक टेस्ट फॉलो करो, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो, व्हिटेकर प्लेस्ड यूनिसेलुलर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म इन, यूनिसेलुलर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मतलब क्या है बच्चों, दैट आर यूकैरियोटिक, ठीक है, दैट आर यूकैरियोटिक। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को उन्होंने किस में रखा, दैट इज अंडर प्रोटिस्टा। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करा था इन द ईयर 1969। सब कुछ याद रखना, ठीक है बच्चों। एंड प्रोटिस्टा में एक इम्पॉर्टेंट सा लाइन है एनसीईआरटी का, क्या है बच्चों? अब प्रोटिस्टा में प्लांट्स भी आ गया जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, एंड एनिमल भी आ गया, ठीक है, जिसमें क्या है बच्चों, सेलवल नहीं है। प्लांट्स में क्या है, दैट इज क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास, ओके। एंड एनिमल में क्या है बच्चों, दैट इज एमीबा एंड पैरामेशियम, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल याद रहनी चाहिए, ओके।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. स्टेटमेंट वन, इन मेनी बर्ड्स फीमेल हैज अ पेयर ऑफ डिसिमिलर जेड जेड एंड मेल हैज डिसिमिलर जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम. बिल्कुल नहीं, क्योंकि बर्ड के केस में फीमेल हेटेरोगैमी शो करते हैं. क्या है बच्चों? फीमेल हेटेरोगैमी शो करता है, मतलब जेड डब्ल्यू फीमेल में होगा एंड मेल में हो जाएगा. बर्ड में क्या? जेड जेड. मेल में क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज जेड जेड. ठीक है, ये वाला केस बर्ड में दिखाई देते हैं. तो इस पहला स्टेटमेंट गलत. इन ड्रोसोफिला मेल हेटेरोगैमी इज सीन. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट, तो फोर इज द राइट ऑप्शन. आई होप सबने कर लिया. चलो नेक्स्ट. इन सी फोर प्लांट्स CO2 फिक्सेशन इनिशियल, ठीक है बच्चों, इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए करो, टेक्स प्लेस इन विच सेल, कौन से सेल में होता है? जल्दी बोलो, दैट इज इन मेसोफिल सेल. बिल्कुल सही. ठीक है, पहला आएगा CO2, वहां पे प्रेजेंट है पेप. ठीक है, तो उसके साथ ये फिक्स हो जाएगा एंड फॉर्म करेगा एक फोर सी कंपाउंड, दैट इज ऑक्सालो एसिडिक एसिड. ठीक है बच्चों, ये जाएगा बाद में बंडल शेप सेल में. ठीक है, एंड यहाँ पे एंजाइम लगता है पेप कार्बोक्सिलेज. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो नंबर सिक्स, यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ढूंढना है. देखो, मिथेनोजेंस आर आर्किबैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरिया. बिल्कुल सही है. नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. बिल्कुल सही है. ये क्या है बच्चों? साइनो बैक्टीरिया. ओके, एंड केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज. बिल्कुल नहीं, क्योंकि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को. ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जिसमें आता है नाइट्रेट्स, ठीक है, एमोनिया, नाइट्राइट्स, ये सब आते हैं एंड इससे वो एटीपी प्रोडक्शन करते हैं. एंड ये वाला स्टेटमेंट गलत है. माइकोप्लाज्मा लाइक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है. तो यहाँ पे कितने सही है बच्चों? ऑल एक्सेप्ट सी. बिल्कुल सही, टू इज द राइट ऑप्शन. नाउ चलो, फॉर फ्रुगिवोरस बर्ड्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? आर का जो वैल्यू है वो है 1.15 एंड ये किस में आता है बच्चों? दैट इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसमें हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व देखने को मिलता है एंड इसमें फ्रुगिवोरस जो बर्ड्स होते हैं उसके लिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं 1.15. ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो. एसेशन क्या है? गैमेट्स रिसीव ओनली वन एलील इन अ जीन. बिल्कुल सही है. एंड रीजन क्या है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट. ये भी बिल्कुल सही है. देखो, एसेशन रीजन में पहले दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है ये कर लेना चाहिए. मैंने शॉर्ट्स भी दिया हुआ है, आई होप सबने देख लिया. तो अब बाद में अगर दोनों से ही निकले, ठीक है बच्चों, फिर तुम्हें जुड़ना है बिकॉज ऑफ या ड्यू टू या एस से. ठीक है, अगर तुम जुड़ पाते हो तो तुम्हारा ऑप्शन ए आ जाएगा. गैमेट्स रिसीव ओनली वन एलील ऑफ अ जीन बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट. बिल्कुल जुड़ पा रहे हो. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा. दैट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए. चलो नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नॉमिनक्लेचर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज क्या है बच्चों? बायनोमियल. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें एक होगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपना खुद का साइंटिफिक नेम होगा एंड जो नेम दो कंपोनेंट से बना होगा. ठीक है बच्चों, बायनोमिनल, क्योंकि उसमें होगा एक जेनस एंड एक स्पीसीज एपिथेट. ठीक है बच्चों, एक स्पीसीज एपिथेट. ओके, ये दो से बनेगा. तो यहाँ पे टू इज द राइट ऑप्शन. आई हम सबने स्कोर कर लिए. चलो नेक्स्ट. प्रोटोनिमा. प्रोटोनिमा क्या है बच्चों? दिस इज अ जुवेनाइल फेस ऑफ अ मॉस गैमेटोफाइट. बिल्कुल सही, टू इज द राइट ऑप्शन. आई हम सबने स्कोर कर लिए. चलो नेक्स्ट. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ टेडोफाइट क्या है? टेडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स. बिल्कुल सही. इवोल्यूशनरीली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस द वास्कुलर टिश्यू दैट इज एक्सिलम एंड फ्लोएम. बिल्कुल सही. That's why they are under trachophyta. In trachophytes, the main plant body is gametophytic. ये वाला incorrect है, incorrect पूछा है. तो देखो, यहाँ पे main plant body होते हैं sporophytic. ठीक है बच्चों, एंड टेडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस थ्रू सम मे फ्लरिश एज वेल एज इन सैंडी सॉइल कंडीशन. ये भी सही है. तो यहाँ पे सही ऑप्शन थ्री है. चलो नेक्स्ट. स्टेटमेंट वन देखो. अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे, ठीक है, टोटल स्पीसीज ऑन अर्थ रेंजेस फ्रॉम 22
50 मिलियन क्या है बच्चों? दिस इज इनकरेक्ट. रॉबर्ट मे ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि 7 मिलियन है. ठीक है, 7 मिलियन है. एंड देखो, मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स. बिल्कुल सही, मोर देन 70% एनिमल होते हैं एंड लगभग 22% प्लांट्स होते हैं. तो ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है. तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन फोर. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं. मैचिंग टाइप करना है. केमो टैक्सोनॉमी, क्या किसमें केमो टैक्सोनॉमी होते हैं बच्चों? दैट इज, जल्दी बोलो, यूज्ड इन प्लांट टैक्सोनॉमी टू रिजॉल्व कंफ्यूजन. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है बच्चों? दैट इज द गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. ठीक है, एंड यहाँ पे देखो क्या है केमो टैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर. तो ए के साथ ए एंड न्यूमेरिकल के साथ क्या आ जाएगा? सी एंड टू के साथ बी. तो यहाँ पे टू इज द राइट ऑप्शन. आई होप सबने स्कोर कर लिए. चलो नेक्स्ट करते हैं. द जीन्स फॉर अ कैरेक्टर ए बी शोड 32.7% रिकॉम्बिनेशन एंड द जीन फॉर द कैरेक्टर सी एंड डी शोड 3% रिकॉम्बिनेशन. तो लिंकेज के साथ रिकॉम्बिनेशन का क्या रिलेशन है बच्चों? ऐसे इनवर्स, मतलब प्रोपोर्शनल तो नहीं है. ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो उसमें लिंकेज कम होगा, अगर रिकॉम्बिनेशन कम है तो उसमें ज्यादा क्या होगा बच्चों? लिंकेज होगा. तो यहाँ पे पूछा है द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज हायर फॉर, हायर किसमें होगा बच्चों? दैट इज सी एंड डी, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन कम है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए मतलब वन इज द राइट आंसर, दैट इज सी एंड डी. इसमें देखो 3% ओनली रिकॉम्बिनेशन, इसका मतलब दे आर हाईली लिंक्ड जीन. ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट देखो. लेवल करना है, मार्क करना है ए बी सी डी. सी तो एकदम देखते ही पहचान जाओगे, दैट इज ए पी ब्लास्ट. क्या है बच्चों? ए पी ब्लास्ट. एंड डी क्या है? दिस पोर्शन क्या है बच्चों? दैट इज द रूट पोर्शन. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज रेडिकल. ओके, दिस इज रेडिकल. एंड यहाँ पे देखो, जो कवरिंग है, जो शूट एपिक्स का कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कोलियोप्टाइल. ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे बी क्या आ जाएगा? दैट इज द शूट एपिक्स. तो यहाँ पे आंसर चेक करो, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन. आई होप सबने स्कोर कर लिए. चलो नेक्स्ट देखो. स्टेटमेंट वन, एवरी विंटर द क्योलाडो नेशनल पार्क होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया. ठीक है बच्चों, एंड अदर एक्सट्रीमली हॉट, नहीं कोल्ड. ओके बच्चों, कोल्ड नॉर्दर्न रीजन. तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट. स्टोमाटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट शोइंग कैंप पाथवे. बिल्कुल सही. ठीक है बच्चों, जो साकुलेंट होते हैं, ऐसे कैक्टस होते हैं, ओपेंशिया में कैंप पाथवे देखने को मिलता है. ठीक है, उसमें डे टाइम में क्या होता है? स्टोमाटा क्लोज रहते हैं. ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टेटमेंट टू क्या है? करेक्ट है. स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स फोर इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, द सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सी, सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सी क्या है बच्चों? दैट्स 30 to 35. अब बोलो पीपीएम, पीपीटी, पीपीबी या पीपीएच. ठीक है बच्चों, पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड. ठीक है बच्चों, तो टू इज द राइट ऑप्शन, पीपीटी, ये याद रखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पोलन ग्रेन्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इट हैज टू लेयर प्रोमिनेंट वॉल. बिल्कुल सही. ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही. हार्ड आउटर वन लेयर, बिल्कुल हार्ड होते हैं. जो आउटर लेयर होते हैं वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, इसलिए हार्ड होते हैं. इनर वॉल इज कंपोस्ट ऑफ स्पोरोपोलिनिन. बिल्कुल नहीं, तो सी इनकरेक्ट. स्पोरोपोलिनिन फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस एक्साइन, ये भी नहीं है. ठीक है बच्चों, ये भी गलत है. कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? इन टाइम कंटिन्यूअस है. एंड स्पोरोपोलिनिन ऐसे बीच बीच में गैप रहता है, जहां पे गैप रहता है, स्पोरोपोलिनिन डिपोजिशन नहीं होता है, उसी से जर्म पोर डेवलप करते हैं. ठीक है बच्चों, उसी से जर्म पोर मतलब पोलन ट्यूब डेवलप करते हैं. ठीक है, पोलन ट्यूब डेवलप. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो यहाँ पे ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट. 19, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. बिल्कुल सही है. मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट ऑफ एनिमल्स. बिल्कुल सही, जैसे कि कैटल, उसके
गट में क्या रहते हैं, मिथेनोजेंस रहते हैं जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ए इज द राइट ऑप्शन, आप सबने स्कोर कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो। स्टेटमेंट वन, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नोफॉल। बिल्कुल सही, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में दोनों ही आएगा। ओके, स्टेटमेंट टू क्या है, द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। देखो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन का जो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या है, ऐसे एक डायग्राम है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है, दीज आर प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, एंड इस हिसाब से बायोम डिस्ट्रीब्यूट हुए है। तो उसमें क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग करना है, तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन है उसमें क्या है बच्चों, दैट इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, फिर आ जाएगा दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर आ जाएगा ग्रासलैंड, एंड यहाँ पे आ जाएगा डेजर्ट, जहां पे एकदम लो है क्या, प्रेसिपिटेशन, ठीक है बच्चों। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये इसके पहले आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, तो थ्री इज द राइट ऑप्शन, आई होप सबने स्कोर कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो। अगर अगर इस कमर्शियली ऑप्टेंड फ्रॉम कहाँ से मिलता है बच्चों, दैट इज फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम, एंड ये दोनों ही मेंबर है किसका, रेड एल्गी का। ओके, रेड एल्गी का मेंबर है। चलो नेक्स्ट देखो। मेंडल प्रपोज द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। हिज प्रोपोजिशन वॉज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एफ ट्री जेनरेशन इन अ क्रॉस। बिल्कुल नहीं, ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड शोज ओनली वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग, ठीक है बच्चों। अगर टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हो तो क्या होता है, विदाउट ब्लेंडिंग वो ऐसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू इज द राइट ऑप्शन, आई होप सबने स्कोर कर लिया। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट। इन ब्रायोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमेटोफाइट, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। सेक्स ऑर्गन्स आर क्या है, यूनिसेलुलर इन एल्गी एंड फंजाई, बट मल्टी सेलुलर इन ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे फ्लास्क सेव होते हैं एंड इसमें जैकेट वॉल होते हैं एंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन, आई होप सबने स्कोर कर लिया। चलो एसेस एंड रीजन। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, बिल्कुल सही है, सॉरी, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल नहीं है बच्चों। क्रेब्स साइकिल का जो एंजाइम होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, मैट्रिक्स पे। इनर वॉल पे क्या होते हैं बच्चों, इनर वॉल पे तो होते हैं ईटीएस साइकिल। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स सिस्टम इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये वाला सही है, ठीक है। पहले मैंने एक बट जस्ट ऐसे ही मिस्टेक ऐसे हो जाता है, तो तुम ध्यान से करना, ठीक है। एंड एग्जाम के टाइम पे जब तुम ऐसे फिल करोगे ना तुम्हारे वेमा शीट को, तो पहले ही एकदम ऐसे ऐसे फिल कर देना, ठीक है बच्चों। पहले 10 क्वेश्चन कर लो, फिर उसको एक बार ऐसे मार्क कर लो, मतलब क्या, ऐसे चारों राउंड रहेगा, एक एक डॉट दे दो, ठीक है बच्चों। फिर जब तुम फेल करोगे दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ के चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे ना जो तुम्हारा गलती होने का चांस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट वन एसर्शन गलत है, रीजन सही है, तो फोर इज द राइट ऑप्शन है, सबने स्कोर कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो। डायग्राम है टिपिकल सेल साइकिल का, ठीक है बच्चों, इसमें ढूंढना है एक्स वाई एंड जेड को, क्या है ये तीनों, एक्स वाई जेड, ये तीनों इंटरफेस का पार्ट है, इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल ड्यूरेशन चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला क्या आता है इंटरफेस में, पहला आ जाएगा G1, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज S, क्या आ जाएगा, दैट इज S, फिर क्या आ जाएगा, दैट इज G2, सॉरी G2, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों फेज ऐसे आ जाएगा, G1 S G2, ठीक है बच्चों। तो एक्स यहाँ पे क्या है, दैट इज G1, एस वाई यहाँ पे क्या है, दैट इज S, जेड यहाँ पे क्या है, दैट इज G2, ठीक है बच्चों। तो चलो आई होप सबने स्कोर कर लिए, वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 26, एसेशन क्या है, मियोसिस हैज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट रिजल्ट इन वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल, क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है, ठीक है। मियोसिस से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होते हैं,
क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होते हैं, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए इवोल्यूशनरी दौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर वेरिएशन ज्यादा होंगे तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, वेरिएशन से इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हाई हो जाएगा, एंड वेरिएशन किससे आएगा, क्रॉसिंग ओवर से आएगा, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज हो रहा होगा ना जेनेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई। ओके, तो यहाँ पे वन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट भी है, एंड इसको तुम देखो, वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज कॉज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ऐसे तुम जोड़ पा रहे हो, तो ये इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो, एसेस एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। इथिलीन अ गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैज नो रोल इन रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस विद इन द प्लांट बॉडी एंड दस फाइंड्स नो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। क्या ये सही है बच्चों? बिल्कुल नहीं है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है तो उसका तो एप्लीकेशन होना ही होना है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। तो अब ये यूज भी होता है, एंड एग्रीकल्चर में तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं फॉर फ्रूट राइपनिंग। ओके बच्चों, रीजन क्या है? इथिलीन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइज फ्रूट शेड इन पाइनएप्पल। ये बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। इथिलीन को इनिशिएट करने के लिए फ्लावरिंग को यूज किया जाता है। ओके, मार्केट में ऐसे कमर्शियल पर्पस के लिए इथेपॉन भी मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एसेशन गलत है, रीजन सही है, तो यहाँ पे डी इज द राइट ऑप्शन है। सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो एसेशन क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मैट्रिक्स। एनोड में ही जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि डीएनए खुद एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो किस तरफ जाएगा? वो एनोड की तरफ जाएगा, नॉट कैथोड, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट वाइज। रीजन क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ये भी स्टेटमेंट वाइज बिल्कुल सही है, एंड इसी के कारण ये एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको भी तुम जोड़ पाओगे ऐसे, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू से। ओके, क्यों जाते हैं? ड्यू टू और बिकॉज द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वन इज द राइट ऑप्शन, आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, मैचिंग टाइप क्वेश्चन करना है। लैक ओपेरन स्ट्रक्चरल जीन, उसका फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों? दैट इज कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन्स। बिल्कुल सही, वहां पे तीनों जीन रहते हैं, जेड वाई एक, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रखना। ऑपरेटर जीन, इसका काम क्या है बच्चों? ऑपरेटर जीन उसमें जाके कौन बाइंड कर जाता है? रिप्रेशर प्रोटीन ऐसे बाइंड कर जाते हैं। क्या होते हैं? दिस इज द प्रोमोटर रीजन, उसके बाद आएगा इनहिबिटर जीन, उसके बाद आएगा प्रोमोटर, ऑपरेटर, एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, तीनों आ जाएगा, जेड वाई ए, ठीक है बच्चों। एंड इस ऑपरेटर में आके रिप्रेशर प्रोटीन जो यहाँ से बनेगा वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। प्रोमोटर रीजन क्या करेगा बच्चों? प्रोमोटर रीजन दैट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही। रेगुलेटर जीन, इसका काम क्या है बच्चों? दैट इज कोड्स फॉर रिप्रेशर प्रोटीन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखो थ्री इज द राइट ऑप्शन, आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। 30 देखो, यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है? ह्यूमन पेडिग्री है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये टाइप, इसका टाइप क्या है? ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है? देखो यहाँ पे नहीं है, इस जेनरेशन में किसी के पास, मेल फीमेल किसी के पास डिजीज नहीं है, एंड इससे जो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कैरियर है, ठीक है, क्या है बच्चों? कैरियर है। एंड यहाँ पे देखो, इसमें से जो बेटी पैदा हो रही है वो डिजीज हो रहा है, बेटा में कुछ नहीं आया, फिर से एक बेटा डिजीज बन गया, ठीक है। आप देखो, इसके साथ हम शादी करा रहे हैं इसका, बाहर वाले एक नॉर्मल का, तो नेक्स्ट जेनरेशन में भी कुछ नहीं आएगा। एंड यहाँ पे देखो, मेल फीमेल दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। अगर मेल फीमेल दोनों ही अफेक्ट करते हैं तो इसका मतलब दिस इज ऑटोसोमल, ठीक है। पहला ये आइडेंटिफाई हो गया तीनों रूल्स में, ये पहला कि अगर मेल फीमेल दोनों होते हैं तो वो ऑटोसोमल होगा। एंड दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा रूल्स क्या है? अगर जेनरेशन गैप होते हैं तो क्या आ जाएगा? रिसेसिव। अगर नहीं होते हैं तो क्या आ जाएगा? डोमिनेंट। तो देखो यहाँ पे जेनरेशन गैप दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे नहीं है पर यहाँ पे है, एंड यहाँ पे देखो है पर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्कीप ऑफ जेनरेशन। क्या है? स्कीप ऑफ जेनरेशन। अगर स्कीप ऑफ जेनरेशन होता है तो वो बन जाएगा
रिसेसिव, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, रिसेसिव बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव, दैट इज फोर इज द राइट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट वन, अंडर वाटर स्ट्रेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ स्टोमेटल क्लोजर लीडिंग टू द डिक्रीज इन वाटर सप्लाई। क्या है बच्चों, बिल्कुल सही, स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमाटा बंद हो जाते हैं, ठीक है, एंड उससे अब H2O तो बाहर नहीं जा पाता, पर उससे CO2 तो अंदर नहीं आता, तो CO2 का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट टू क्या है, रिड्यूस्ड वाटर पोटेंशियल डिक्रीज लीव सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस कॉजेस डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलियो, फोटोसिंथेसिस का भी क्या हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो वन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो एसेसन, टाइप ओ ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। बिल्कुल है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। आरबीसी ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैव बोथ ए एंड बी सरफेस एंटीजन। बिल्कुल नहीं होते हैं, जो ओ वाले ब्लड ग्रुप के मेंबर होते हैं उसमें कोई सरफेस एंटीजन नहीं होते हैं, ए बी में दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो ए बी वाले ब्लड ग्रुप होते हैं इसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, आई ए आई बी, ठीक है बच्चों। पर जो ओ वाले होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे एसेशन क्या है, ट्रू है, एंड रीजन क्या है, फॉल्स है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन, है सबने स्कोर कर लिया। चलो नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट द करेक्ट क्या है बच्चों ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम द गिवन डायग्राम। क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो कैम्बियम प्रेजेंट है, तो कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ओपन या क्लोज हो जाएगा, दैट इज ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि ये अब सेकेंडरी ग्रोथ करने के काबिल है बच्चों, ठीक है। एंड ये जो टाइप है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंजॉइंट, ठीक है बच्चों, कंजॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल जो दिखाई देते हैं इन स्टेम, ठीक है बच्चों। एंड किसके स्टेम में दिखाई देते हैं, दैट इज इन डाइकॉट स्टेम, ठीक है बच्चों, क्योंकि डाइकॉट में क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, ठीक है बच्चों, पर मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट वन, दैट रिएक्शंस आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। क्या है बच्चों, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लाइट आर नॉट लाइट डिपेंडेंट नहीं है बच्चों, ये लाइट वाले पोर्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं दैट इज एटीपी, ठीक है, एनएडीपीएच, ठीक है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, ओके, इसी से ये अगले डार्क रिएक्शन मतलब कार्बन फिक्सेशन करते हैं। एंड स्टेटमेंट टू क्या है, द फोटो सिस्टम वन वॉज डिस्कवर्ड अर्लियर देन द फोटो सिस्टम टू। बिल्कुल सही, ठीक है, ये डिस्कवरी के ऊपर ही इसको नाम रखा गया कि पहले कौन हुआ, दैट इज फोटो सिस्टम वन, बाद में कौन हुआ, दैट इज फोटो सिस्टम टू। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज फोर इज द राइट ऑप्शन, है सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट वन क्या है, इन ऑक्सालिस स्पीसीज द लीव्स अराइज फ्रॉम द नोड्स व्हाइल द रूट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड ऑफ अ मॉडिफाइड स्टेम। बिल्कुल नहीं, ऑक्सालिस तुम्हारे एनसीईआरटी में कहाँ पे है, मॉर्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जो रनर है ना बच्चों, ठीक है, जो रनर है सेम मॉडिफिकेशन में, उसमें क्या है, जो पिक्चर दिया हुआ है एग्जाम्पल में उसमें ऑक्सालिस प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, रनर वाले जो फर्स्ट थ्री लाइन है उसमें क्या है, ऑक्सालिस उसमें नहीं है, पर जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें मेंशन है, ठीक है। तो ऑक्सालिस में क्या होता है, जब नया नोड बनता है, जब नए वो जगह जाते हैं तब पुराना वाला ऐसे मर जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट टू क्या है, और स्टेटमेंट टू क्या है, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज सीन इन सनफ्लावर प्लांट्स। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों, सनफ्लावर में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी एग्जाम्पल है, दैट इज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एंड वन इज इन करेक्ट, दैट इज फोर इज द राइट ऑप्शन, आई होप सबने कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, मोनोकॉटिलेडोनस दैट इज एंजियोस्पर्म, डाइकॉट्स एंजियोस्पर्म, ठीक है बच्चों, पाइनस डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये वाला गलत है, क्योंकि पाइनस इज अ मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म,
है, एंजियोस्पर्म में कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसीलिए ये गलत है। ठीक है, एंसिड्रस दैट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिसमें पोलन ग्रेन देखने को मिलता है, तो ये वाला सही है, थ्री इज राइट आंसर, जो गलत है। एक्सचेंज द सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, कहाँ पे होता है, कौन से फेज में होता है, दैट इज इन पैकेटिन। बिल्कुल सही, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होते हैं, इसी को बोलते हैं, जो सेगमेंट एक्सचेंज होता है इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। चलो नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एसेसमेंट है, अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड वेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या होते हैं, बर्थ या डेथ से ही पता चलता है कि वो पॉपुलेशन बढ़ेगा, बढ़ रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, रीजन क्या है, दैट इज देखो, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन अज्यूमिंग इम्पोर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। क्या है बच्चों, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ रेट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ओके, जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, बट इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन अज्यूमिंग इम्पोर्टेंस ओनली विद अंडर स्पेशल कंडीशन। ठीक है बच्चों, इसको तुम ऐसे ही जोड़ पाती हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्पेशल कंडीशन में इसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फोर इज द राइट ऑप्शन है, सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्या है, द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व इन फोटोफॉस्फोराइलेशन आर लोकेटेड इन थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है बच्चों, इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस PS2 एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एट 680 नैनोमीटर। PS1 कितने में करते हैं, ग्रेटर देन 680, दैट इज 700 नैनोमीटर। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल शोज सम कलरलेस ऑफ सम कलर्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब मोर देन द अदर्स। ठीक है बच्चों, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल शोज दैट सम कलर्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब मोर देन द अदर्स, ये क्या है बच्चों, बिल्कुल गलत है। ठीक है, एंड कॉम्पेंसेशन पॉइंट ऑफ C4 इज हायर देन C3+, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री इज क्या है, राइट ऑप्शन। देखो यहाँ पे एसेसन क्या है, कोलिन काइमा टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, क्या करते हैं कोलिन काइमा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे देखो आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ओके, क्या होते हैं, एपिडर्मिस है, फिर उसके नीचे ही जो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, वो कोलेनकाइमेटस सेल से होते हैं, जो उसको क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि ये हाइपोडर्मिस में रहता है, फ्यू लेयर होते हैं एंड कोलेनकाइमेटस सेल। तो यहाँ पे देखो, फोर इज द राइट ऑप्शन, ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर प्रोटिस्ट, क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बिल्कुल सही, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, बिल्कुल नहीं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, ये भी सही। तो टू एंड फोर इज द राइट ऑप्शन, दैट मीन सी इज द राइट ऑप्शन, आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, एसर्शन क्या है, इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, बिल्कुल सही, रीजन क्या है, C4 प्लांट्स हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द रूबिस्को साइट, ये भी बिल्कुल सही है, एंड ये इसकी के कारण यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो ये दोनों सही है, एंड ये इसका गलत एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट इज वन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो, पोलन ग्रेन स्टोर्ड इन पोलन बैंक्स आर यूज्ड फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, दीज आर स्टोर्ड फॉर अ ईयर, ओके, इन ए एट बी रेस्पेक्टिवली, आइडेंटिफाई ए एट बी, कहाँ पे इसको रखा जाता है, दैट इज अंडर लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में एंड इन -196 डिग्री टेम्परेचर में इसको प्रिजर्व किया जाता है, कहाँ पे, पोलन बैंक में। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पे सी इज द राइट ऑप्शन, आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। नेक्स्ट, द गेम बी प्रोड्यूस्ड बाय सम लीवर वर्ड्स फंक्शन एज, क्या फंक्शन करते हैं, दे आर फंक्शन एज एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, जो गेमी होते हैं वो क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। ठीक है बच्चों, एंड मार्केशिया में ऐसे गेमा कप होते हैं, जिसको ऐसे सेक्शन करोगे तो उसमें देखोगे ऐसे गेमी
उसमें है। ठीक है बच्चों, ऐसे गेम्मा का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक्साइज प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज इन लेमन। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, इसमें एक मैंने निमोनिक्स भी डाला हुआ है, अगर देखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, देख सकते हो। ठीक है बच्चों, कि आशीष लिविंग इन चाइना टुडे। ठीक है बच्चों, तो लिविंग से एल, एल से लेमन। ओके चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टोमाटा फॉर्म्ड बाय गट सेल? बिल्कुल, रेगुलेट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। बिल्कुल, मेनली प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फोर इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन इन क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटो इनहिबिशन। ये क्या है बच्चों? दैट इज एंटेना पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो उसमें क्या हो सकता है? क्लोरोफिल ए नष्ट हो सकता है, तो उससे ये बचाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखो, साइटोस्केलेटन हेल्प इन, किस में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन? दैट हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, प्रोवाइडिंग मोटिलिटी टू सेल, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे डी इज द राइट ऑप्शन, फोर। ओके नाउ नेक्स्ट, देखो अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक है बच्चों, इन ईटीएस इन माइटोकॉन्ड्रिया इज रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स डिरेक्टली फ्रॉम यूबिक्विनॉन केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग O2 एंड एक्सटेंडेड अक्रॉस द थिकनेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड कंटेन FACU बोथ। नहीं, यहाँ पे क्या करता है, ETS साइकिल में जो होते हैं सी ऑक्सीडेज, वो बिल्कुल रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डायरेक्टली यूबिक्विनॉन से। ठीक है बच्चों, दैट इज वन इज द राइट ऑप्शन। अब सबने स्कोर कर लिया। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो, इन टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यू जो होते हैं 200 से लेके 300 आर एडेड एट 3' एंड इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। बिल्कुल सही है बच्चों, जो मॉडिफिकेशन होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल वाला। ठीक है बच्चों, दिस इज 5', दिस इज 3'। ठीक है, तो यहाँ पे 5' में क्या लगता है? कैपिंग होते हैं। एंड 3' में क्या होता है बच्चों? टेलिंग होते हैं। एंड टेलिंग में क्या होता है? एडिनाइलेट रेसिड्यू जो 200 से 300 है वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, एंड इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। तो यहाँ पे दिस इज द राइट ऑप्शन, आई होप सबने कर लिए। चलो नेक्स्ट, जूलॉजी शुरू करते हैं। देखो, व्हाट प्रोसीड्यूर इज यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इन टू होस्ट प्लांट्स सेल? क्या करते हैं बच्चों? दैट इज बॉलिस्टिक्स, माइक्रो इंजेक्शन, डिस आर्म पैथोजेन, जिन गन मेथड। क्या है बच्चों? दैट इज जिन गन मेथड, बॉलिस्टिक्स, डिसआर्म्ड पैथोजेन, ये तीनों। ठीक है बच्चों, माइक्रो इंजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज BCD। ये तीनों क्या करते हैं? एलियन DNA को ऐसे होस्ट प्लांट में ट्रांसफर इंट्रोड्यूस करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मैचिंग टाइप ऑफ करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम? एंजाइम दैट इज एपो एंजाइम एंड यहाँ पे देखो हॉलो एंजाइम। एपो एंजाइम दैट इज हॉलो एंजाइम प्लस को फैक्टर, बिल्कुल नहीं। एपो एंजाइम हॉलो एंजाइम नहीं, हॉलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है बच्चों, क्या है? दिस इज द ऑप्शन। तो यहाँ पे कितने करेक्ट है बच्चों? दैट इज वन, दैट इज थ्री इज द राइट ऑप्शन। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी अफेक्टेड बाय जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इसके साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल सही, दिस द राइट ऑप्शन, आई सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट वन, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम आर मल्टी सेलुलर। क्या है बच्चों? एनिमल किंगडम का हर एक मेंबर मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल। स्टेटमेंट टू, स्पोरोजोआ आर एनिमल्स, बिल्कुल नहीं, वो सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है बच्चों, एनिमल के साथ, पर वो एनिमल नहीं है, दे आर प्रोटिस्ट। क्या है बच्चों? प्रोटिस्ट। ओके तो यहाँ पे वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स। ओके सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी एज, कैसे एंटर करते हैं? एज स्पोरोजॉइटी। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट देखो,
स्टेटमेंट वन क्या है, लेडीबग एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोस एंड एफाइड्स रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल है, लेडीबर्ड करते हैं एफाइड्स को, ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल करते हैं मॉस्किटो को। ठीक है बच्चों, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ट्राइकोडर्मा आर पैरासाइटिक फंजाई, ये भी क्या है बच्चों, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों ही इनकरेक्ट है, तो टू इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट वन। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स द बॉडी ऑफ अ फोटस इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। बिल्कुल सही, ठीक है। एंड स्टेटमेंट टू, आईलिड्स डेवलप कर जाता है, आई लैश सेपरेट हो जाता है एट द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे वन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, एट प्यूबर्टी ओनली एक्स प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। एक्स इज, एक्स कितने हैं बच्चों, दैट इज 60,000 से लेके 80,000। कितना है बच्चों, 60,000 से लेके 80,000, दैट इज वन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट वन, माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यू इन नंबर वाइल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई इन वाइट फाइबर। यह क्या है बच्चों, दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, एंड स्टेटमेंट टू क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन नंबर इन एरोबिक मसल। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे ज्यादा होते हैं, एरोबिक मसल में ज्यादा होते हैं। ओके, एंड इसीलिए ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिब। क्या बोलते हैं, रिब, ठीक है, रिब फाइबर और रिब मसल बोलते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज वन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 60, एसेसन क्या है। देखो, इन ह्यूमन बीइंग सेरिब्रम इज मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या है बच्चों, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड रीजन क्या है, सेरिब्रम हैविंग अ स्मॉल सरफेस एरिया एंड ऑटोनॉमिक सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी। बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चों, रीजन इज फॉल्स, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी का काम नहीं है, ये मेडुला ऑब्लॉन्गाटा का फंक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, कि एसेसन ट्रू है पर रीजन फॉल्स। चलो नेक्स्ट करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव इज। क्या है बच्चों, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल से ही, आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, 62 क्या है बच्चों, मैच करना है। देखो पहले कर लो, ए के साथ आ जाएगा फाइजालियर, ठीक है बच्चों, दैट इज आल्सो कॉल्ड पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। एंड एडम शिया, इसको क्या बोलते हैं, सी एनिमोन, ठीक है बच्चों। पेनेंटुला, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज सी पेन। एंड गॉर्गोनिया, दैट इज सी फैन। एंड मियनड्रियाना, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल बोलते हैं। एंड ऑरेलिया, दैट इज द जेली फिश। तो ए के साथ आ जाएगा 5, बी के साथ 4, सी के साथ आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो 2 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, फिर से मैचिंग टाइप है। देखो पहले करते हैं, देखो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों, दैट इज द एम्पुलरी इस्तमिक जंक्शन, ठीक है बच्चों, इस्तमिक जंक्शन, फर्टिलाइजेशन इज एम्पुलरी इस्तमिक जंक्शन। इम्प्लांटेशन क्या है बच्चों, दैट इज, इम्प्लांटेशन क्या है बच्चों, दैट इज द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। बिल्कुल सही, ठीक है। एंड क्लीवेज क्या है बच्चों, दैट इज द माइटोटिक डिविजन। मोडुला क्या है, दैट इज द एम्ब्रायो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर। एंड ब्लास्टोसिस्ट क्या है, दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूअस डिविजन ऑफ 8 to 16 ब्लास्टोमियर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैच कर लो, ए के साथ 3, बी के साथ 5, सी के साथ 1, डी के साथ 2, दैट इज 4 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस एंड दिस टेम्परेचर इज 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे 3 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स क्या होते हैं बच्चों,
क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं कार्डियक इनपुट, व्हाई दैट थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स डिक्रीज करते हैं, बिल्कुल ये क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं एंड ये डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू इज द राइट ऑप्शन है, हम सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट, द एक्सलरेटेड रेस्पॉन्स इन द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन, इसको बोलते हैं एलर्जी, क्या बोलते हैं एलर्जी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से मैचिंग टाइप है, देखो पिल, पिल क्या है बच्चों, दैट इज द प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही। थ्री, कंडम क्या है बच्चों, दैट प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग सर्विक्स, एंड ये क्या है बच्चों, दैट इज वैसेक्टॉमी, दैट हेल्प्स इन सीमेन, कंटेन्स नो स्पर्म, बिल्कुल सही। एंड कॉपर टी क्या है बच्चों, दैट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे मैच कर लो, ए के साथ थ्री एंड बी के साथ वन, के साथ वन एक ही में है, दैट इज वन इज द राइट ऑप्शन है, हम सबने फोर मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट, SSN क्या है, देखो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स गिव्स ब्लू कलरेशन, बिल्कुल सही, स्टार्च के साथ आयोडीन मिलके ब्लू कलर फॉर्म करते हैं, ओके तो SSN से ही है। एंड रीजन क्या है, स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, आयोडीन ऐसे है एंड ये जो हेलिकल पोर्शन है इसमें I2 को वो ऐसे होल्ड करके रखते हैं एंड इससे ही कलर बनता है, ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनता है एंड ये कलर शो करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। एंड इससे ये क्या है बच्चों, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स ग्रिप्स ब्लू कलरेशन ड्यू टू और बिकॉज ऑफ द स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन, तो यहाँ पे ए इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, व्हिच एक्सटिंक्ट एनिमल शोज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, कौन शो करता है, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो, अलोकलाइज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अपीयर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कॉजेस रेडनेस स्वेलिंग पेन हीट ड्यू टू सर्टेन केमिकल्स, दीज आर हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, बिल्कुल सही, वो तो यहाँ पे ए इज द राइट ऑप्शन है, हम सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट, 71 देखो, SSN क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कंपेरेटिवली लेस इफेक्टिव इन डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर फार्मर्स वर डिपेंडेंट ऑन कन्वेंशनल ब्रीडिंग, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। एंड रीजन क्या है, इन डेवलपिंग कंट्री इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल्स फोर्स्ड फार्मर्स टू रिलाय ऑन कन्वेंशनल ब्रीडिंग, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है तो उससे अच्छा है वो जैसे जैसे तरीके से करते आए हैं ब्रीडिंग वैसे से करें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दोनों सही है एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी, ठीक है बच्चों, ए क्या है एंड बी क्या है, बहुत आसान है, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक, दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे देखो मिडिल में क्या है, मेसोराम है, तो यहाँ पे दैट इज राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज वन, ओके वन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ए इज डिप्लोब्लास्टिक, बी क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017, इन ऑर्डर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी दैट हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, द ओपिनियन ऑफ हाउ मेनी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इज रिक्वायर्ड, क्या है, कहाँ पे है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है, ठीक है, एकदम साइड में ऐसे कलम करके लिखा हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में, जहाँ पे लिखा है अगर कोई अबॉर्शन टर्मिनेट कराना चाहते हैं प्रेगनेंसी को तो उसको, ओके बच्चों, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जरूर कंसल्टेशन लेना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टू इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट वन, ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन लीवर सेल, कहाँ पे एक्ट करता है, लीवर सेल पे एक्ट करता है, एंड ग्लूकागॉन इज अ हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों, तो दोनों से स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, तो इज द राइट ऑप्शन। नंबर 75 देखो, टोडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फॉर्म, किससे बनता है, साउथ इंडिया में स्पेशल है पाम से बनता है बच्चों, ठीक है, उसको सरा सरा के फर्मेंटेड करके टोडी बनता है, ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ इंडिया, ओके, सो इज द राइट ऑप्शन। इन ऑर्डर फॉर erythroblastosis fetalis to develop the blood group of mother should be Rh negative, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच करना है, देखो पहले कर लो, देखो
जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या आ जाएगा? चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस फैक्टर। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन क्या है? दैट इज मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मेन कैरेक्टर वैल्यू। जीन फ्लो क्या है बच्चों? चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है बच्चों। एंड मतलब माइग्रेशन से जो चेंज होता है, एंड जो चेंज चांस फैक्टर से होता है उसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड साल्टेशन क्या है बच्चों? दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करो, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्टेंट ऑफ ए व्हाइल एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्टेंट ऑफ बी। होमोलोगस किससे आता है? दैट इज फ्रॉम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड एनालोगस दैट इज फ्रॉम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो वन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट करते हैं। एसेशन क्या है? द रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। ये क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन क्या है? द रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स, ठीक है बच्चों। वो नॉन ह्यूमन सोर्स से आइसोलेट किया जाता है, एंड इसीलिए क्या करते हैं? डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। ओके, तो यहाँ पे दोनों सही है, एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो नेक्स्ट। फॉर कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, क्या लगता है बच्चों? उसमें थ्रोम्बोकाइनेस लगते हैं। क्या लगते हैं? थ्रोम्बोकाइनेस। तो आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? देखो यहाँ पे यूसिनोफिल 2 to 3% एंड इसका काम है इन्फेक्शन को रोकना, एंड उसके साथ साथ एलर्जी को भी रोकते हैं, ठीक है। तो वो देखो ये सेकेंड ऑप्शन है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। न्यूट्रोफिल्स क्या है बच्चों? 60 to 65% एंड ये फैगोसाइटिक इन नेचर है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्टली मैच्ड है, तो कोई गलत नहीं है। तो नन ऑफ द अबव 4 इज द राइट ऑप्शन। द मोस्ट अबंडेंट, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ज्यादातर बच्चे ना इन दोनों में ही ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगर ये करेगा तो ये नहीं करेगा, ये करेगा तो ये नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई नन ऑफ दिस ऑप्शन को देखेगा ही नहीं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो देखो। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, दैट वन कैटेगोराइज्ड एज, उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट। नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट इन आवर बॉडी आर प्रोडक्ट्स ऑफ, क्या है? किसका प्रोडक्ट है बच्चों? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेपेड, सॉरी प्रोटीन्स। क्या है बच्चों? इट इज प्रोटीन्स का प्रोडक्ट है। नाइट्रोजन किस पे है बच्चों? प्रोटीन में है, ठीक है। COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप, एंड यहाँ पे क्या है? NH2। तो नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ पे मिलेगा? प्रोटीन से आएगा। नाउ नेक्स्ट देखो। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। बिल्कुल नहीं, प्राइमरी से तो नहीं आएगा बच्चों, सेकेंडरी से वो वाटर बॉडीज में आएगा। इन प्राइमरी ट्रीटमेंट फ्लोटिंग डेब्रिस को कैसे हम करते हैं? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड ग्रीट इज रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। बिल्कुल सही है। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वाटर वेस्ट मोर इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। एंड देखो, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। ये भी बिल्कुल सही है। एंड बीओडी इज अ मेजर ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक मैटर, ओनली ऑर्गेनिक मैटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना बीओडी ज्यादा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट। स्टेटमेंट 1, टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बिल्कुल सही है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू। क्या बच्चों? ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही है, ए इज द राइट ऑप्शन। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एम्फाइसिमा? एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। बिल्कुल, देयर इज अ इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी सरफेस। बिल्कुल नहीं, डिक्रीज। मेजर कॉजेस ऑफ सिगरेट स्मोकिंग से होता है, एंड कॉज्ड बाय मेनली द डिफिशियंसी ऑफ अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। कंट्रैक्टाइल यूनिट
ठीक है, ऑफ मसल्स इज अ पार्ट ऑफ मायोफाइब्रल्स बिटवीन जेड लाइन जेड लाइन, बिल्कुल सही, टू इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, एसेशन क्या है? ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 2 टाइम्स, टू नहीं बच्चों 4 टाइम्स, ठीक है, कंसेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। काउंटर करेंट मेकानिज्म डज नॉट हेल्प टू मेंटेन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। क्या है बच्चों? दिस इज ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे एसेशन गलत है एंड रीजन से है, तो 4 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, इन फीमेल फ्रॉग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखो, वन पेयर ऑफ ओवरीज इज सिचुएटेड नियर किडनी। क्या है बच्चों? ये क्या है? वन पेयर ऑफ ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी, बिल्कुल सही है। ओवरी हैज अ फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी, नहीं है, नॉट अ फंक्शनल कनेक्शन, ओके, कोई कनेक्शन नहीं है किडनी के साथ। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम द ओवरीज ओपन्स इनटू क्लोका सेपरेटली, बिल्कुल सही है। तो ए एंड सी एकदम सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, फीमेल फ्रॉग कैन ले 200 2500 से लेके 3000 ओवा एट अ टाइम। तो ये वाला क्या है? गलत है। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा है, तो बी एंड डी आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पे 2 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर कैन पोटेंशियली हार्म द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट को डैमेज कर सकते हैं, ब्रेन को कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, एंड किडनी को करते हैं, लंग्स को नहीं करते। तो यहाँ पे 3 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म? कौन? जैसे कि थायराइड ग्लैंड कैल्शियम करते हैं, ठीक है बच्चों, रेगुलेट करते हैं, ओके, थाइमस नहीं, पैराथायराइड इसको भी कैल्शियम रेगुलेट करते हैं। तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो 4 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इन टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस इट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है बच्चों, दैट इज GIFT, 1 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, मॉइस्ट स्किन इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, इन मायोसिन फिलामेंट सी एंड डी आर द साइट ऑफ, सी क्या है बच्चों? दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट, एंड डी क्या है बच्चों? दिस इज द ATP बाइंडिंग साइट, एंड ये क्या है बच्चों? दिस इज द हेड, एंड दिस इज द क्रॉस आर्म, क्या है बच्चों? दिस इज द क्रॉस आर्म। तो यहाँ पे ए एंड सी एंड डी पूछा है, दैट इज एक्टिन एंड ATP बाइंडिंग साइट, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट परसेंटेज ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमंस इज द सेम, क्या है बच्चों? बेस सीक्वेंस कितना सेम रहता है हर एक ह्यूमन में? दैट इज 99.9%, ठीक है बच्चों, सेम होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, मैलपेचुअन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स, बिल्कुल सही, तो ए इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, लिपिड क्या है बच्चों? बिल्कुल वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ओके। एंड ये क्या है बच्चों? फैटी एसिड हैज अ कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड टू आर ग्रुप, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल नहीं, कार्बोक्सिल होते हैं, ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेसरी ग्लैंड इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या है बच्चों? विरेटेड टेस्टिस, वर्सिफेरेंसिया, एपिडिडाइमिस, तीनों ही क्या है? तीनों ही एक्सेसरी है, तो यहाँ पे 4 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ देखो, 99 टाइफॉइड किससे बनता है? साल्मोनेला टाइफी। न्यूमोनिया दैट इज हीमोफिलेस इन्फ्लुएंजा, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, फिलेरियासिस, दैट इज फिलेरियासिस वाउचेरिया, ओके, एंड मलेरिया दैट इज प्लाज्मोडियम, तो ए के साथ 3 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 2 इज द राइट ऑप्शन। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है बच्चों? दैट इज सलाइवा इन माउथ, ये क्या है? इंटरफेरेंस, दैट इज साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। स्किन क्या है बच्चों? दैट इज फिजिकल, ओके, एंड ल्यूकोसाइट क्या है बच्चों? दैट इज सेलुलर बैरियर, ओके, एंड सलाइवा इन माउथ, दिस इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो
चलो इसी के साथ साथ खत्म हो रहा है हमारा आज का लास्ट मॉक टेस्ट ऑफ 2024। ठीक है बच्चों, तो 2024 मतलब इस नेट का जो लास्ट मॉक टेस्ट है इसी से खत्म हो रहा है। आई होप सबने अच्छे से तैयारी कर रखा है एंड एक महीने से मैं भी एग्जाम ले रही हूँ तो तुम सब प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कंप्लीट है, ऑलमोस्ट नहीं सब चैप्टर कंप्लीट है बच्चों, तो सभी क्वेश्चन आना चाहिए। एंड यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कराया जिसका मतलब है 400 मार्क्स का मॉक टेस्ट था। इसमें कितना मिला है मुझे, स्कोर कर कितना स्कोर हुआ है ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बच्चों, एंड नीट के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं, सब तैयार है। कल का दिन पूरा रिवाइज करना, ठीक है। मैं छोटा छोटा जो शॉर्ट्स है वो मैं डालती रहूंगी, उससे तुम्हारा थोड़ा सा मदद हो जाएगा। एकदम नीट से पहले जो जो इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है वो तुम एक बार जल्दी जल्दी चेक कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए एक दो बार ऐसे नेट के साथ कनेक्शन रखना। एंड देखो अपडेट तो चाहिए है ना, सबके लिए अपडेट जरूरी होता है, इसीलिए पढ़ाई करते चले जाओ। बस बीच में जो 5 मिनट का 10 मिनट का गैप ले लो, उसमें एक बार झट से तुम सब कुछ चेक कर लो। ठीक है बच्चों, चलो इसके साथ साथ एकदम तैयारी फुल है, फुल जोश के साथ देना। थोड़ा सा काम हो जाना, पेशेंस रखना अपने आप पे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि सब तैयार है, पर तुम्हारी एकदम से ही ऑप्शन सही क्वेश्चन पढ़ोगे, सही तरह से पढ़ोगे एंड करेक्ट ऑप्शन देखोगे एंड उसको सही तरह से वेमा शीट में ऐसे मार्क करोगे। कोई गलत जगह में, मतलब तुम देख रहे हो तुम्हारा ऑप्शन 4 है पर तुमने ऐसे 2 को ऐसे सर्कल कर दिया। ठीक है बच्चों, ये गड़बड़ मत करके आना, इससे बहुत नंबर कम हो जाता है। पर यहाँ पे नीट है, यहाँ पे कोई भी नंबर कम होने का जगह ही नहीं है, हम मौका ही नहीं देंगे क्योंकि हमें सीट चाहिए। ठीक है बच्चों, सभी जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, सभी को ऑल द बेस्ट एंड आई होप सभी को इस बार नीट क्लियर हो जाए एंड सभी का एकदम एंट्रेंस मिल जाए तुम्हारे मेडिकल जर्नी में। ठीक है बच्चों, तो चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, एडमिट कार्ड को ढंग से फिलअप करना, उसको जरूर लेके जाना, उसके साथ आइडेंटिटी कार्ड एंड उसके साथ फोटोग्राफ भी कैरी करना। ठीक है बच्चों, एंड प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना एंड टाइम पे पहुंच जाना, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है, तो फिर टेंशन नहीं होगा, धीरे से शांति से सब कुछ करना, देखना बेस्ट होगा तुम्हारा इस बार नीट एग्जाम। तो चलो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। ठीक है, तो चलो बाय।